हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बारे में और डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। और बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, तो वीडियो को शुरू करते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो अब देखो, डीसी के एक्चुअल में तीन सिनेमैटिक यूनिवर्स फिलहाल के लिए एक्जिस्टेंस में आ चुके हैं। तो देखो, पहला यूनिवर्स वो है जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, जिसमें मैन ऑफ स्टील आई थी 2013 से लेके अभी 2021 तक जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, ये जो है मूवी, इनका डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है। अब बात करते हैं डीसी द डार्क यूनिवर्स के बारे में। तो अब देखो, जब 2018 में जब ये अनाउंस किया गया था कि जोकर की एक फिल्म आने वाली है जो कि सोलो यूनिवर्स में सेट होगी, जो उसका एक अलग ही यूनिवर्स होने वाला है, तब जाके डीसी फैंस को बताया गया कि वो एक डार्क यूनिवर्स है और वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं होने वाला। तो वॉकिन फिनिक्स की जोकर डीसी डार्क यूनिवर्स में सेट है। तो अब बात करते हैं एक और नए यूनिवर्स के बारे में, जिस फिल्म का ट्रेलर हमें डीसी फैंडम इवेंट में देखने को मिला है, जिसका नाम था दी बैटमैन फिल्म। अब देखो, दी बैटमैन फिल्म को डायरेक्ट करते हैं मिस्टर मैट रीव। अब देखो, मैट रीव एक ऐसे डायरेक्टर है, जब भी इनका नाम लिया जाता है तो लोग बहुत शॉक्ड में चले जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क में बिलीव करता है। यानी कि अगर आप इनकी पुरानी मूवीज उठाकर देखोगे, जैसे कि प्लेनेट ऑफ द एप्स, ये मतलब एक फ्रेंचाइज है जिसको वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने शायद किया था, वार्नर ब्रदर्स ने किया था, मतलब कोई स्टूडियो था वैसा जिसने ये मूवी फ्रेंचाइज बनाई थी, तो उस डायरेक्टर को रिबूट वर्जन के लिए हायर किया गया था। और भाई साहब, उस रिबूट वर्जन में उस बंदे ने ऐसा जान फूका है ना, कि मतलब लोगों को सच में रियलाइज हो रहा था कि सच में कुछ एप वर्सेस ह्यूमन चल रहा है। और इतना ज्यादा एपिक थी म्यूजिक, वाह भाई, मैं मान गया भाई इस डायरेक्टर को। अब ऐसा डायरेक्टर जो इतनी सही मूवीज बना चुका है, अब वो हमारे दी बैटमैन कैरेक्टर को डेडिकेटेड होके तीन मूवीज देने वाला है, जिसके पहले मूवी का पहला ट्रेलर ऑफिशियली डीसी फैंडम इवेंट में रिलीज कर दिया गया। और ये ट्रेलर भाई जबरदस्त है, मतलब निराश नहीं करेगा ये डायरेक्टर आपको कभी। सो गाइस, कुछ हफ्तों पहले से मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं किए थे यूट्यूब पे, और इवन आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियोस के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम समझ पाओगे और वेट करोगे वीडियोस का। और बहुत जल्द वीडियोस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कुछ हफ्तों से मैंने काफ़ी लेंदी वीडियोस बनाना शुरू किया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं होंगे, क्योंकि उस पर अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं आपको सारे सोशल मीडियाज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो ऐसे ही क्विक वीडियोज़ के लिए। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखना और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर्ड। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।